वेलकम टू एवन एडवेंचर चैनल। तो यार जो हमारा आज का चैलेंज है ना, वो यार काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है एक बड़ा सा डंपर, कितना ज़्यादा बड़ा डंपर है। तो आज हम क्या करने वाले हैं एक चैलेंज। इस डंपर के अंदर भर देंगे पीछे वाली ट्रॉली के अंदर पानी। तो चलिए दोस्तों, ट्रॉली के अंदर चलते हैं। इसके ऊपर चढ़ने के लिए आप देख सकते हो, मेरे को मत गिरा देना तुम। ओ भाई साहब, इस डंपर की ट्रॉली को आप देख सकते हो यार, कितनी ज्यादा बड़ी है। देखिए आप एक बार भाई लोग, यहाँ तक आ रही है मेरे। तो क्या होगा, इसके अंदर जब पानी भरा जाएगा ना, तो यार जो लुक आएगा वो आएगा पूरा ही एक नंबर। इतना बड़ा एक स्विमिंग पूल बन जाएगा। और हम क्या करने वाले हैं चैलेंज। मैं 24 घंटे स्विमिंग पूल के अंदर रहने वाला हूँ, और मेरे साथ ये दो नमूने भी रहने वाले हैं। तो भाई, भाई तुम तैयार हो? यस। तो 24 आवर्स इस पानी के अंदर हम रहेंगे, और मजा तो आने वाला है, क्योंकि जो ये डंपर है ना, वो दोस्तों बन जाएगा चलता फिरता स्विमिंग पूल। तो चलिए दोस्तों, काम को स्टार्ट करते हैं, और इस पूरे डंपर को करते हैं वाटरप्रूफ। लाएंगे आज तो। डंपर के अंदर हमने बना दिया है स्विमिंग पूल, और अब भरा जा रहा है इसके अंदर पानी। तो कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, देखिए आप एक बार भाई साहब, फुल मजा आ रहा है। और ये आ रहा है पानी, तो इस पूरे डंपर के अंदर हम भर देंगे पानी, और अपना मजेदार स्विमिंग पूल बन जाएगा। और इसके अंदर ही हम करने वाले हैं 24 घंटे का चैलेंज, यानी कि 24 घंटे रुकेंगे इस पानी के अंदर। और अब हमें है इंतजार इस स्विमिंग पूल के अंदर पूरा पानी भरने का। और जैसे ही इसके अंदर पानी भर जाता है, अपना चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा 24 आवर्स इन वाटर। स्विमिंग पूल को भरने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक इतना सा भरा है। इस डंपर के अंदर पानी भरते भरते हमें रात हो गई, कसम से बोल रहा हूँ। जो ये डंपर है ना, वो यार काफी ज्यादा बड़ा है। तो इसके अंदर आराम से 15,000 लीटर पानी होगा, और मेरे अनुमान से 5,000 लीटर पानी और आने वाला है। और अब स्टार्ट करते हैं अपने चैलेंज को, 24 घंटे मैं रहने वाला हूँ पानी के अंदर। ये तो भाई लोग, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अपना स्विमिंग पूल है ना, वो यार पूरा का पूरा भर के तैयार हो चुका है। ओ भाई लोग, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अभी जो टाइम होगा ना, वो होगा दोस्तों 10 बजे का, और अपना चैलेंज स्टार्ट हुआ था 8 बजे। वन टू थ्री। ओ भाई साहब, हम हो गए काफ़ी यार। तुम पीछे मत गिर जा रहा, सीधा हड्डियाँ टूटेगी, गिर जाना। ओ भाई लोग, गाइस ऐसी जंप अब मैं भी ट्राई करने वाला हूँ। मुझे काफी अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पैर ना टूट जाए। ओ, ये एक और पालकटी जंप। तो कैसा लगा आपको पालकटी जंप मार के? बहुत ही बुरा लगा। पैरों के अंदर चोट लग गई नीचे लोहे की। ये बहुत ही बुरा आइडिया था, इसको कभी भी ट्राई ना करें। इस जंप के लिए एक लाइक। 11 बज चुकी है, और हालत अब हमारी थोड़ी सी डाउन हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा नेट के अंदर काफी ज्यादा हवा चलती है। गाइस पूरी हालत खराब हो गई, और सर्दी लग रही है। तेरे को नहीं लग रही है क्या? मेरे को सर्दी लगती है क्या? घंटा नहीं लगती, तू तो बिल्कुल गीला भी नहीं है। हमारी तो हालत खराब हो रही है, मैं गीला होकर सूख गया। तो यार काफी ज्यादा रात हो चुकी है, और हमें आ रही है बहुत ही तेज अब नींद। तो पानी के अंदर तो हम ऐसे नहीं सो सकते भाई लोग। वहां पर आप देख लीजिए, उसको नींद आ रही है, वो कैसे सोया हुआ है। तो हम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। तो भाई लोग, अब हमें आ चुका है आइडिया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने चैलेंज को आराम से पूरा कर सकते हैं। ये मस्त बेड है मेरे लिए, तो इसके ऊपर पूरा मैं सोने वाला हूँ। चले, मेरा तो नंबर भी नहीं आएगा। मैं पूरे 24 घंटे इसी पानी के अंदर रुकने वाला हूँ, भले ही कैसे ही रुको। आपको पता होगा यार, इतनी तो आप मेहरबानी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है। मैं इसके अंदर रुक जाता, लेकिन हवा है ना काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है, और यार हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमने ये वाला आइडिया अपनाया। और बाकी दिन होने दो, फिर आपका भाई बताता है तब आए। Oh,
तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है और यार काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी हमारे को रात को, लेकिन सुबह है ना पूरा का पूरा माहौल ठीक हो चुका है, हमारे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही क्योंकि जो सूरज है ना उसकी रोशनी बिल्कुल फुल है। बाकी रात को यार पूरी हालत ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी और चैलेंज को कंटिन्यू करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, लेकिन अब पूरा मामला सेट है और इसके अंदर हम आराम से रह सकते, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं यार काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है हमारे को, जब रात में रुके थे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई इसके अंदर ही, हमने सोचा नहीं था इतनी बुरी आदत होगी, काफ़ी तेज़ ठंड लग रही थी, लेकिन तो भी हमने जो हमारा चैलेंज था ना उसको नहीं तोड़ा और अब हो चुकी है सुबह। तो गाइस मेरे को एक आइडिया आया है और मैंने सोचा क्यों ना जो ये कुरकुरे होते हैं ना पैकिंग, तो यार बहुत सारे अपन कुरकुरे ले लें और फिर उसकी बना दे नाव, कैसा आइडिया है फटाफट से कमेंट करो इसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं। तो गाइज अब हम दोनों रेस लगाने वाले हैं कि इस कोने से उस कोने तक सबसे पहले अंडरग्राउंड कौन पहुंचता है पानी के अंदर से। एक दो तीन। हार गया तो हार गया। तो गाइज अब है हमारा दूसरा वाला चैलेंज, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं सबसे ज्यादा देर तक पानी के अंदर सांस कौन रोक पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजा भाई। एक दो तीन। तू A1 एडवेंचर जीत चुके हैं और आपको अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। सर जब मैं अंडरग्राउंड हुआ था ना कार के अंदर, वहाँ पर यार बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आराम से नेटवर्क आ रहा है तो हमारा टाइम पास भी हो जा रहा है। और बाकी इस भाई को तो खाने से फुर्सत नहीं है। भाई क्या देख रहा है तू? मैं पिक्चर देख रहा हूँ। देखनी है? नहीं देखनी, मेरे को साइलेंट मूवी देख रहा है। हमने पानी के अंदर दवाई डाल दी है ताकि यार कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना हो, और बाकी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमारे को इस स्विमिंग पूल में। और अब अपन क्या करने वाले हैं सबसे ज़्यादा मेन काम, इस स्विमिंग पूल को चला कर देखेंगे कि यार कितना मज़ा आता है। भाई साहब कितना सारा पानी है, ये पूरा 20,000 लीटर पानी है। तो यार जब ये चलेगा ना तो थोड़ा सा पानी नीचे गिर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो हमारा खेत है ना तो यार उसमें ही जाने वाला है और कई बार भी पानी वेस्ट नहीं होगा, और अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी कम भी हुआ तो बाद में हम वापस पानी को भर देंगे। तो चलिए इसको चला कर देखते हैं। तो अब ये स्विमिंग पूल चलने वाला है और देखते हैं कितना मजा आता है। तो गाइस बिल्कुल समुंदर की तरह माहौल हो रहा है। इतने बड़े डंपर के अंदर हमने बना दिया स्विमिंग पूल और काफी ज्यादा मजा आ रहा है। Oh,
चलाया ना, तब आप देखिए जो पन्नी है ना वो ही निकल के बाहर आ गई। मजा आ गया। अरे भाई नहीं, ऐसा सीन तो कभी देखा नहीं। वो भाई साहब पानी ले खा रहा था खतरनाक तरीके से। पहले कौन आया? पहले मैं आया। मुर्गी आई या अंडा आया? मैं आया। कुल मिला के कैसा लग रहा है? तो भाई लोग काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और आप कमेंट करके बताए कि इस बंदे को चैलेंज से बाहर निकालना चाहिए या इसको रखना चाहिए। क्यों? तूने एक डुबकी भी नहीं लगाई अभी तक। तो पानी, क्या पानी के अंदर तो पानी के अंदर रहना है। पानी के अंदर रहना है, कुछ नहीं चलेगा, सब चलेगा। ओए ये हार गया, हार गया। भगाओ इसको, भगाओ इसको, सीधा यहाँ से नीचे गिराओ। यहाँ से गिराने हैं तेरे को। हाँ पैसे नहीं मिलेगा। जीतने वाले को कितने मिल रहे? 80 करोड़। 80 करोड़? जीरो कितना आता है 80 करोड़ में? तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इसको बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती थी। और यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने सिखाई। पानी में मजा आ रहा है भाई। भाई टाइम क्या हुआ? एक बज गए भाई। एक बज गए दिन की एक। अभी तो बहुत टाइम बाकी है भाई साहब। बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। कितने घंटे है अभी? अपन 8 बजे गए थे इसके अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम है। रात को परेशानी होगी, वहाँ पर ठंड लगेगी रात को। बाकी दिन को तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से हम इसके अंदर रह सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर हम रह सकते हैं। लेकिन रात को भाई साहब 12 बज जाती है। तो भाई लोग यार पूरी तरीके से पानी के अंदर भिगे हुए रहना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे क्या होगा, जो अपनी त्वचा है ना वो यार बिल्कुल ख़राब हो सकती है। इसलिए हम इस टेक्निक का सहारा लेते हैं, आराम से ऊपर बैठ जाते हैं और बिल्कुल सूख जाते हैं और थोड़ी देर बाद में वापस उतर जाते हैं। लेकिन स्विमिंग पूल से बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो उसके पैर है ना अभी भी स्विमिंग पूल के अंदर है। कुल मिला के स्विमिंग पूल से हम बाहर नहीं जाते हैं। बस इसी के अंदर चारों तरफ जो ये है ना बनी हुई है ना दीवारें, इसके ऊपर हम चढ़ जाते हैं, ट्यूब के ऊपर चढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी चमड़ी है वो भी ख़राब नहीं होती है और जो अपना चैलेंज है वो भी हो रहा है पूरा। और इसके अंदर हमने दोबारा पानी भरा, जब हमने इसको चलाया था ना तब इसका पूरा ही पानी बाहर निकल गया था। लगभग दोस्तों इतना सा पानी पूरा बाहर निकल गया। फिर हमने इसके अंदर और ज़्यादा पानी भरा और अब बिल्कुल लेवल अच्छी तरीके से ठीक है। और हम यहाँ पे तैर भी सकते हैं, आराम से तैर सकते हैं हम। क्या हुआ भाई? भाई ठंड लगने लग गई यार। सूख रहा है अब तो? हाँ, ज़्यादा देर पे ठीक नहीं है रहना। तो भाई लोग यार परेशानी तो हो रही है लेकिन यार चैलेंज करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जो हमारा एक टीम मेंबर है उसने तो हार मान ली है। मैं यहीं पे ही हूँ। नहीं नहीं, हार मान ली तूने। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा कैमरा मैन है वो भी इसके अंदर मजे ले रहे हैं। ये गजब, ये इसका सिर उड़ गया, ये सिर गया। ओ भाई साहब क्या हुआ? गिरा यार। इसने दो दो ट्यूब लगे वापस गिरा। तो भाई लोग यार इसके अंदर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। आराम से मोबाइल भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अंदर। हाँ ले आ जा, रेस लगाते हैं।
तो चलिए दोस्तों चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। हम तीनों में से कौन सबसे पहले जाता है? एक दो तीन। गाइस पहले आ गया, पहले आ गया। ओहो तुम दोनों हार गए। मेरे पैर दबाओ तुम दोनों। भाई तूने चीटिंग किया। ऐसे की नहीं मैंने चीटिंग। सबसे पहले आया मैं। जिंदगी में तू बोल रहा था तू पहले पकड़ रहा था। तो गाइस आप बताओ मैंने चीटिंग की क्या? हाँ गालियां मत बोलना कमेंट बॉक्स में। चीटर है भाई। दो तीन। भाई साहब पानी देखिए कितने खतरनाक तरीके से हिल रहा है। लेकिन ये तो बहुत ही कम हिल रहा है। जब हमने ट्रक को चलाया था ना तब तो यार मजा ही आ रहा था। पूरी पूरी लहरें बन रही थी। और भाई एडा मैं यहाँ से वहाँ निकलने वाला हूँ। हाँ निकल, देखते थे वो तो कैसे निकलता है। ये कैसे तैर रहा है? ये कौन सा तैरने का तरीका है? नया तरीका भाई तैरना नहीं आता। तो फाइनली शाम होने वाली है और जो हमारा चैलेंज है वो भी ख़त्म होने वाला है। यार काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चैलेंज है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन जो मतलब कि रात का था ना टाइम वो यार काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। बाकी अभी आराम से एक नंबर मज़ा आ रहा है भाई साहब। आराम से हम इसके अंदर मज़े ले रहे हैं और जैसे ही हम गीले होते हैं तो यार इस तरीके से हम बैठ जाते हैं और वापस सूख के वापस इसके अंदर घुस जाते हैं। तो यार हमारे को कोई भी परेशानी नहीं होती। और बाकी आप देख लीजिए जो हमारा डंपर के अंदर है ना स्विमिंग पूल वो यार पूरा पूरा एक नंबर है। गजब मजा आ गया यार। और तो अब केवल 3-4 घंटे बाकी होंगे और जो अपना चैलेंज है वो हो जाएगा पूरा 24 hours in water। सो गाइस जो हमारा चैलेंज है ना उसको पूरा होने में केवल एक ही घंटा बाकी है। और कसम से यार काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने इसके अंदर 24 घंटे बिता दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है। गजब यार, मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार इसके अंदर हमने 24 घंटे बिताए। हम आधी देर पानी में रहे, आधी देर जो वो लकड़ी का था ना पट्टा उसके ऊपर रहे। लेकिन कुछ भी बात हो खतरनाक था ये चैलेंज और हमारे को भी यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस चैलेंज को करने में। लेकिन अब केवल एक घंटा बाकी है तो लास्ट के एक घंटे में थोड़ी सी मौज ले लेते हैं इस स्विमिंग पूल के अंदर और फिर अपना चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। ओ भाई ये फुल इंजॉय करो भाई। अब बस एक घंटा बाकी है चैलेंज खत्म होने में। गाइस एक घंटा बाकी है, अब तो क्या पता एक दो मिनट भी और कम हो गए होंगे इस चैलेंज के अंदर। दोस्तों जो पिछली वाली रात थी ना उसके अंदर यार हमारी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। कसम से बोल रहा हूँ भाई, पूरी हालत डाउन हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और इस वजह से हमने क्या किया था, बीच में लकड़ी का पट्टा लगाया और उसके ऊपर हम बैठ गए। फिर थोड़ा आराम मिला और बाकी सुबह तो हमारे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इस ट्रक को बहुत ही ज़्यादा हमने घुमाया, फुल इन्जॉय किया। और अब हमारा चैलेंज पूरा होने वाला है। दिल से यार काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस बड़े चैलेंज को हमने बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर दिया। हमने कुछ चीज़ों का सहारा भी लिया, वो तो यार इतना तो बनता है। बाकी हम इस स्विमिंग पूल से बाहर नहीं निकले, इसके अंदर ही थे और अब हम निकलेंगे बाहर। अब निकलेंगे बाहर भाई लोग, ये 24 hours। तो भाई बस एक मिनट और है। एक मिनट? हाँ भाई। ओ भाई साहब मजा आ गया, केवल एक मिनट बाकी है। ये एक मिनट बाद बाहर जाएंगे अपन। ओ इस ट्रक से बाहर जाएंगे। एक मिनट बाकी है भाई साहब। बाहर का नज़ारा कैसा है देख तो लूँ मैं। मैं तो यहाँ से सीधा ही नीचे छलांग लगा लूंगा यहाँ से। पक्का? पक्का। नया चैलेंज? नहीं कोई चैलेंज नहीं है गाइस, मैं मेरे हाथ पे नहीं तोड़वाने वाला, मजाक कर रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब एक लास्ट जंप तो मार दे। नहीं हाँ चलो गाइस एक लास्ट जंप मारते हैं इसके अंदर। इस जंप के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। अभी कैमरा मैन पानी के अंदर आ जाता है। मैंने सुना था जिसके ऊपर ये खड़ा है ना वो लकड़ी पूरी हिल गई। ये अभी इसके अंदर आ जाता, अभी तेरा चैलेंज बन जाता, तेरा चैलेंज हो जाता कैमरे समेत। भाई कितना टाइम बाकी है? भाई अब 10 सेकंड बाकी है। 10 सेकंड बाकी है। उल्टी गिनती चालू कर। उल्टी गिनती आती है ना? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। निकलो यार यहाँ से बाहर, भागो 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 निकलो। तो गाइस
वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को आपको करना है लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और आपका भाई मिलेगा आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पानी खेतों में जा रहा है। ओ ये ओ भाई साहब, तो जो हमारी फसल है ना वो दोस्तों इससे आराम से सिंचाई हो सकती है। देख लीजिए जो ये पानी है ना वो पूरा का पूरा खेतों में चला गया, तो बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं हुआ। तो ये हो चुका है पूरा पानी खत्म।